तो यार देखो, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर से आएगा, हमारे जितने भी मोबाइल्स के लेजेंड्स जो मोबाइल में इतना जहरीला है, देखो इतना तगड़ा गेम प्ले करते हैं, लाइक देखो वाइट 444 को ले लो, फिर देखो पागल M10 को ले लो, ये इतना मोबाइल में इतना परफेक्ट गेम प्ले करते हैं, सामने वाला बंदा मतलब तो देखते हैं काफी शौक हो जाता है इनका गेम प्ले देखने के बाद। बट देखो ये ऐसा क्या ट्रिक को यूज करते हैं, बिकॉज देखो हम भी 3 फिंगर खेलते हैं, वो भी 3 फिंगर खेलते हैं, एंड देखो वो भी मतलब मोबाइल में खेलते हैं, हम भी मोबाइल में खेलते हैं, बट वो ऐसा क्या ट्रिक को यूज़ करते हैं जो वो इतना परफेक्ट गेम प्ले करते हैं, मैं उनके साथ मतलब गेम प्ले नहीं कर पाता। तो देखो आपको अपना माइंड लगा बहुत अच्छे से आपको सोचना है कि देखो जो सामने वाला बंदा है वो भी सेम चीज़ कर रहा है, देखो आप भी सेम चीज़ कर रहे हो, बट वो इतना परफेक्ट कर रहा है ना, आप कुछ देखो ऐसा मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपना मतलब अपने गेम प्ले को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस जैसा गेम प्ले आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप लोग देखो 2 से 3 फिंगर में शिफ्ट हो रहे हो, फिर आप लोग देखो 3 फिंगर कस्टम HD करने के बाद भी परफेक्ट और अच्छा सा गेम प्ले अपना नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जितने भी आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो सारी मिस्टेक्स इस वीडियो में मैं आपकी एकदम बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो आपको बिना वीडियो को एकदम स्किप करें, मेरी बात आपको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको देखो मैं यहाँ पे वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ, फिर कैसे आपको कस्टम HD में यहाँ पे सिलेक्ट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको सेम वही प्रोसेस यूज करना है, एंड देखो उसके बाद आप लोग 3 फिंगर में बहुत अच्छा अपना गेम प्ले कर पाओगे, एंड देखो कोई भी कस्टम HD की आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो मैंने बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नॉर्मल कस्टम HD लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को कैसे कस्टम HD अपना खुद का बनाना है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अपना क्राउज वाला बटन, एंड देखो अपना लेफ्ट फायर बटन, एंड थर्ड आपको ग्लूअल वाला जो बटन था उनको आपको तीनों को एक ही लाइन में रखना है, ठीक है, एंड सेकेंड आपका आता है एक्सचेंज एंड जंप वाला बटन, आपको इनको एक लाइन में रखना है। तो देखो 2 मिनट मेरी बात बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, आप लोग फर्स्ट यहाँ पे क्या करो, तो आप लोग अपना फायर बटन को ड्रैग कर दो, ठीक है, पहले आपका मतलब फायर बटन हो गया, एंड देखो सेकंड आप लोग वहाँ पे वॉल को पकड़ते हो, एंड थर्ड आप लोग मतलब अपने सिटअप वाले बटन को टैप करते हो, एंड फोर्थ आप लोग मतलब अपना लेफ्ट फायर बटन को टैप करने के बाद अपना फिफ्थ यहाँ पे अपने रन वाले बटन को टैप करते हो। तो इसका मतलब देखो ये 5 जितने बटन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन हैं, यही आपका गेम प्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे, एंड देखो यही आपका गेम प्ले बेकार एकदम कर देंगे, बट वो आपके ऊपर आप इन बटन को कैसे यूज करते हो। अगर आप लोग देखो इन बटन को एकदम अच्छी जगह पे सेट कर लेते हो तो आपका गेम प्ले काफ़ी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, आप लोग अगर इन बटन को एकदम बेकार तरीके से यूज़ करते हो तो आपका गेम प्ले एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा 3 फिंगर में। तो ये कस्टम HD देखो बिल्कुल आप लोगों के सामने, आप लोग देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक क्या करते हो, जो अपना हमारा सिटअप वाला बटन होता है मतलब अपना बिठाने वाला बटन होता है, आप लोग इस फायर बटन के नीचे ज़्यादा बंदे आजकल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब देखो इससे मतलब कोई भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लोग यहाँ पे आराम से यूज़ करो, बट आप लोग एक गलती यहाँ पे क्या कर दे, तो इसके साथ साथ अपना जंप वाला बटन होता है आप लोग उसको भी राइट हैंड साइड में रख लेते हो। तुम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनो, एकदम बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग लगाओ, अगर आप लोग मतलब अपने बिठाने वाला बटन है तो जंप वाले बटन को दोनों ही कोई राइट साइड में रख लोगे तो वहाँ पे आपका फास्ट मूवमेंट कैसे बन पाएगा। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐसा बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ जो तुम्हें एकदम बिल्कुल करना ही करना है। फर्स्ट देखो अपने जो लेफ्ट फायर बटन होता है उसको देखो, नाम ही उसका लेफ्ट फायर बटन है, मींस देखो आपको इसको लेफ्ट में ही रखना है, बहुत से बंदे मैं देखता हूँ अपना राइट साइड में रख देते हैं लेफ्ट फायर बटन को, ठीक है, तो इसको आपको अपने लेफ्ट में ही रखना है, एंड सेकंड आपको अपना आता है एक्सचेंज वाला बटन, इसको भी अपने लेफ्ट में रखना है, अपर साइड मतलब ऊपर साइड में अगर देखो रखते हो तो काफी परफेक्ट रहता है। तो देखो थर्ड नंबर तुम लोगों को मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूंगा, अपना जो जंप वाला बटन रहता है उसको कभी भी गलती मत करो, ठीक है, इसको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखो, लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा बेटर रहता है, एंड इससे तुम्हारी एक परफेक्ट मूवमेंट भी बन पाएगी। तो देखो मैं तुम लोगों को अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको जब भी मतलब आप अपने गेम को प्ले करते हो आपको 3 फिंगर में इतना प्रॉब्लम्स होती है आपका, तो कभी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोग बैठ जाते हो, फिर ऑटोमेटिक आप लोग मतलब जंप करने लगते हो, आपका कोई से बटन एकदम परफेक्ट तरीके से काम ही नहीं करता, आप लोग कुछ करना चाहते हो बट आपका हो कुछ और जाता है। तो देखो तुम लोग यहाँ पे 2 मिस्टेक करते हो, अपना एक सेटअप वाला बटन होता है एंड जो अपना ग्लूअल वाला बटन होता है उसको तुम लोग एक परफेक्ट तरीके से सेट नहीं कर पाते, एक परफेक्ट जगह पे नहीं रख पाते। तो तुम लोग देखो इन दोनों बटन को किस तरीके से यूज करते हो, तुम लोग इन दोनों बटन को एक ही साथ में रख देते हो, जिससे देखो क्या होगा पूरी कस्टम HD आप लोग यहीं पे ही बेकार कर देते हो, क्योंकि देखो अगर आप लोग जब तक इन दोनों बटन को एक ही साथ में रखोगे जब तक आपको एक परफेक्ट कस्टम HD आप लोग कभी भी नहीं बना सकते, बिकॉज देखो इन दोनों बटन को पास रखने से अभी आप ऑटोमेटिकली बैठने लग जाओगे, ठीक है, फिर आप लोग कभी ऑटोमेटिकली अपना ग्लूअल मतलब डालने लग जाओगे, तो ये बिल्कुल एकदम बेकार कस्टम HD रहता है। एक परफेक्ट कस्टम HD बनाने का देखो तरीका यही है, आप अपना क्राउज वाले बटन को मींस अपना सिटअप वाले बटन को आप लोग ऊपर रखो, ठीक है, एंड ग्लूअल वाले को नीचे रखो, या फिर आप लोग एक और चीज कर सकते हो, जैसे देखो अपना मतलब ग्लू वाला बटन आप लोग ऊपर रखो, ठीक है, फिर अपना क्राउज वाला बटन मींस अपना सिटअप वाला बटन आप लोग नीचे रख सकते हो, मतलब देखो गाइस यहां पे कहने का मतलब ये आपको इन दोनों बटन को काफी अच्छे से अपना यूज करना है, बहुत ध्यान से यूज करना है, आपको एक परफेक्ट कस्टम HD बनाने के लिए इन बटन को कभी भी एक साथ में आपको नहीं रखना, ठीक है, एंड बाकी देखो आप लोग मतलब और अपने कितने भी बटन है उनको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इन दो बटन का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन दो बटन को कभी आप लोग मतलब एक ही साथ में मत यूज करना।